हेलो गाइस, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइस, आज एक और वीडियो लेकर हम आए हैं ज्योग्राफी के से ही, और आज हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं 20 मोर क्वेश्चन फ्रॉम द योर जो आपका ज्योग्राफी पोर्शन है, उसी में से हम लोग आज कुछ और 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे अपने टाइम को। सो हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 1 की, ठीक है, और उसमें क्या पूछ रहा है आपसे गाइस, दैट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा है, द प्लेस इन इंडिया रिसीविंग द लोवेस्ट रेनफॉल इज। इंडिया में एक ऐसा प्लेस भी है जहां पर बहुत कम बारिश होती है, कौन सा वो प्लेस है? ऑप्शंस आर ले, जैसलमेर, बीकानेर या जोधपुर। गाइस, सो गाइस, इसका राइट आंसर बनता है जैसलमेर, एंड इट इज The hottest place of India also, and guys, यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होने की वजह से बहुत plenty of rainfall जो है यहाँ पर होता है, बहुत कम बारिश जो है यहाँ पर होती है guys। Question number 2 की तरफ बढ़े guys, तो Almati Dam is on which of the following river? Almati जो dam है guys, वो कौन से river के ऊपर है? Options are Krishna, Kaveri, Tungabhadra या Malprabha guys। सो गाइज, अलमट्टी डैम जो है इट इज ऑन रिवर कृष्णा के ऊपर है गाइज, ठीक है, ये कृष्णा रिवर के ऊपर है गाइज, याद रखिएगा इस फैक्ट को भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े गाइज, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया। इनमें से सबसे डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है इंडिया में? ऑप्शन आर कृष्णापट्टनम पोर्ट, वाइजैक पोर्ट, पैरादीप पोर्ट या गंगा वरम पोर्ट, ठीक है, बताइए इनमें से। सो गाइज, इसमें क्या है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, दैट इज कृष्णापट्टनम पोर्ट इज द डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया गाइज, ये चीज याद रखिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप ऑक्यूपाइज द मैक्सिमम एरिया इन इंडिया। ये क्वेश्चन शायद मैं आपको एक बार पहले भी पढ़ा चुका हूं कि इंडिया में आपको पता है कि हमारे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में, आप जिस तरीके से उनकी आप डिस्क्रिमिनेटली उनको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है गाइस, उनकी जो क्वांटिटी है और क्वालिटी दोनों में हम लोग अब पीछे रह रहे हैं। लेकिन इंडिया में ये पूछ रहा है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कौन से हैं। ऑप्शंस आर ट्रॉपिकल मोस्ट डेकेडेशियस, माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट गाइस। तो गाइस, याद रखिएगा हमारे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एरिया जो इंडिया में फॉरेस्ट के अंदर है, दैट इज ट्रॉपिकल मोस्ट डेकेडेशियस फॉरेस्ट गाइस, ठीक है, क्लियर है इस चीज़ को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े गाइस, तो इंडिया इज द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। इंडिया वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इंडिया मिनरल्स प्रोवाइड करता है, लीडिंग प्रोड्यूसर भी बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन गाइज इन चारों में से हम लोग किस चीज़ में सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है ना, नहीं तो फिर ऐसे बाद में बच्चे बोलते थे नहीं सर वो भी तो है ये भी तो है, लेकिन ये पूछ रहा है इन चार में से किस में लीडिंग प्रोड्यूसर है, ठीक है। ऑप्शंस आर गोल्ड, सिल्वर, माइक एंड आयरन। तो याद रखिएगा हम लोग माइक शीट्स में जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है, माइक शीट्स में गाइज, ये चीज़ याद रखिएगा। तो माइक शीट्स में हम लोग जो है वो मैक्सिमम जो है वो प्रोड्यूस चीज़ें करते हैं, सो वी आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइक शीट मिनरल्स, ठीक है, समझ आ गई पांचों क्वेश्चंस की, इजी थे, कुछ भी चीज इसमें टफ नहीं थी गाइस, सब कुछ आपने पढ़ लिया है, बस अभी क्या है फोकस करने की जो है वो जरूरत है गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विच कॉजेज विंटर रेन इन इंडिया ओरिजिनेट इन। तो बोलता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो रेन कॉज करती है विंटर्स में इंडिया में, पढ़ा चुका हूं आपको, वो कहां पर ओरिजिनेट होती है? पाकिस्तान में, बे ऑफ बंगाल में, वेस्ट एशिया में या हिमालयाज में? तो गाइज ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है तो इजी तो है, वेस्ट वेस्ट के साथ ले लो, है ना, तो ये वेस्ट एशिया का कंसेप्ट है। उसके बाद आ रहा है, हाउ डू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफेक्ट द क्रॉप्स इन इंडिया। कहता है जो हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना, वो क्या अफेक्ट करती है हमारे जो क्रॉप्स हैं इंडिया में, एस्पेशली नॉर्थ इंडिया में, उनसे क्या होता है उसके ऊपर, क्या दे कॉज हैवी डैमेज टू द स्टैंडिंग क्रॉप्स, क्या ऐसा होता है?
दे ब्रिंग इन लोकेट्स विच डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, या कोई ऐसे वो कीड़े वा टाइप होता है एक, उसको लेकर आती है जिससे वो उनको क्रॉप को खत्म करता है। दे आर बेनिफिशियल टू द क्रॉप बाई कॉजिंग विंटर रेन, या क्या ये बेनिफिशियल है कि ये विंटर रेन जो है वो करती है उसके लिए। दे हेल्प इन कीपिंग द प्लांट्स वार्म टू सम एक्सटेंट इन विंटर, या ये बारिश जो है वो प्लांट को गर्मी देती है ताकि ये प्लांट जो है वो खराब ना हो जाए। तो यहाँ पर गाइज मैं आपको बता दूँ कि इसमें है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, दे कॉज हैवी डैमेज टू द स्टैंडिंग क्रॉप्स। गाइज जो लोग भद्रवा या जितने भी अपने इस वैली चिनाब वैली के लोग हैं, आप लोग गेहूं या दूसरी फसल जो है वो उगाते हो विंटर्स में, हम लोग उगाते हैं, मैं भी उसी साइड रहने वाला हूं। और हम लोग जब छोटे होते थे तो हम देखते थे कि क्या है, रात को तूफान चलता था, बारिश हो रही है ना, फसल हमारी खड़ी है, एंड देन सडनली वो पूरी की पूरी जो है वो गिर जाती थी एक ही रात में। सुबह उठते थे, खेत में देखते थे, आधी फसल स्टैंडिंग में, आधी पूरी बिछी हुई, तब वो चीज़ समझ नहीं आती थी कि वो सब क्यों हो रहा है। लेकिन अब समझ आ गया दैट इट इज़ ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गाइस, है ना। गेहूँ जो हम लोग वहाँ पर लगाते हैं, आप देखो वो पूरे गिर जाते हैं, पूरा खेत गिर जाता है, पूरे की पूरी फसल। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दे कॉज हैवी डैमेज टू द स्टैंडिंग क्रॉप्स गाइस। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर गाइस, ठीक है। तो ऐसे अगर आपके पास कोई लाइव एग्जाम्पल है तो उसके थ्रू आप याद रख सकते हो। जितने भी हमारे पहाड़ी इलाकों में जो लोग हैं, वो जहाँ जहाँ पर ये वीट या जो बाजरे वाली जो फसलें होती होगी, जो भी लगाते होंगे वहाँ पर सर्दियों के टाइम पर, वो इस चीज़ को बारखूबी जो है वो समझते होंगे। सो गाइज वो क्यों होता है, वो तूफान क्यों चलेगा, वो बारिश क्या है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और वो अफेक्ट करता है हमारे क्रॉप पर नॉर्थ इंडिया में गाइज। क्लियर है इस चीज़ को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़े। तो राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेन बिकॉज, राजस्थान में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस जी, राजस्थान में बोलता है बहुत कम बारिश होती है एंड राजस्थान इज अ डेजर्ट एरिया, व्हाई क्वेश्चन उठ रहा है व्हाई। ऑप्शंस आर इट इज टू हॉट, हॉट तो है भाई हमें भी पता है, इट इज देर इज नो वाटर अवेलेबल एंड दस द विंड्स रिमेन ड्राई, भाई बारिश होगी पहाड़ वहां पर होंगे तो भी वहां तो कुछ होगा ना। द मॉनसून फॉल टू रीच दिस एरिया, या मॉनसून गिर जाता है पहुंच ही नहीं पाता उस एरिया में। द विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर टू कॉज द नेसेसरी अपलिफ्ट टू कोल्ड द विंड्स, ये है इसका राइट आंसर गाइस। अब मैं इसको समझाता हूँ क्यों। देखिए हमारे इंडिया में कुछ इंडिया ऐसे है ना, ऐसे है यहाँ पर हमारे माउंटेन्स है ना, माउंटेन रेंजेस यहाँ पर ऐसे, तो मॉनसून जब आता है ऐसे आएगा या हवाएं चलेंगी तो वो इसको टकराएंगी। जैसे हमने आप बचपन में भी पढ़ते हो दैट माउंटेन्स और द बैरियर, ये क्या करते हैं, एक बैरियर का काम करते हैं, रुकावट का काम करते हैं, हवाएं आएंगी इससे टकराएंगी, ठंडी होंगी एंड देन इट विल डू प्रसैप्सिनेशन, बारिश होगी, ठीक है ऐसा सिस्टम चलेगा। लेकिन राजस्थान अगर की आप बात करो ना, तो वहां पर क्या सिस्टम है, वहां पर है अरावली रेंजेस। अरावली रेंजेस को मतलब ऐसे होना चाहिए था कुछ इस हाल में, है ना, लेकिन वो है इस हाल में। अब हवाएं आती हैं इसके साथ टकराती हैं, टकराने के बाद क्या है, बारिश हो जाती है इधर पे, और ये जो एरिया है गाइस ये पूरा का पूरा बन जाता है रेन शेडो एरिया, और रेन शेडो एरिया की वजह से वहां डेजर्ट बनता है। इस बारिश को, अब बारिश यहां होनी चाहिए थी लेकिन बारिश इधर हो गई, इसको हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेन गाइस। मैं आपको डिटेल वे में जब हम क्लाइमेट डिस्कस कर रहे थे, क्लाइमेट पढ़ा रहा था, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सो दिस इज द रीजन। अब ये कहता है कि राजस्थान में कोई बैरियर ही नहीं है हवाओं को रोकने वाला, अगर वहां बैरियर होता तो ये टकराती से बारिश होती, बट वहां पर कुछ ऐसा है नहीं, वहां पर उसको ऐसे होना चाहिए था लेकिन वो है ऐसे, हवाएं आती इसको क्रॉस करती हैं, लिटिल बिट इसको जो टच हो गई वही बारिश करवाएंगी, रेस्ट ऑफ द हवाएं पास हो जाएंगी। समझ आ गई ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है गाइस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है दैट व्हिच ऑफ द वेदरिंग एजेंट इज ऑलमोस्ट पेकुलर टू द इंडियन हिमालयस। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, वेदरिंग एजेंट कौन सा है गाइज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैकुलर है टू द इंडियन हिमालय। ऑप्शन आर विंड, ग्लेशियर्स, स्नोफॉल, रनिंग वाटर। तो विंड तो वहां होगी होगी, है ना, बट याद रखेगा वेदरिंग एजेंट जो है गाइज जो पैकुलर है इंडियन हिमालयाज में, दे और ग्लेशियर्स गाइज, ठीक है ऐसे इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़े गाइज, विच इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल ऑफ द इंडो गैंगनेटिक प्लेन्स।
सबसे चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, खूबी क्या है हमारी जो मिट्टी पाई जाती है इंडो गैंग्रेटिक प्लेन्स में? इट इज ड्राइव फ्रॉम द हिमालयन रॉक्स, क्या ये हिमालयन रॉक्स से लाई जाती है? इट इज रिच इन ह्यूमस, इट इज फॉर्म्ड ऑफ पेनिसुलर रॉक्स, इट इज डिलीवर्ड फ्रॉम द लोकल रॉक्स। गाइज सबसे चीफ मेजर है दैट इट इज रिच इन ह्यूमस, गाइज फर्टाइल बहुत होती है ये, समझ आ रहे हो? क्यों? इसीलिए हमारे नॉर्दर्न प्लेन जो है वो सबसे ज्यादा प्लेन है, क्यों? बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस गाइज। मैं पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं क्यों है, किस लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़े गाइज। द इंडो गैंग्रेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया और फर्टाइल ड्यू टू, अब ये कहता है ये फर्टाइल है तो क्यों है? हैवी एंड टाइमली रेन्स एंड फॉरेस्ट की वजह से, एलुवियल सोइल ब्रॉट बाय द रिवर्स फ्रॉम द माउंटेन से, हार्ड लेबर ऑफ द फार्मर्स ओवर द जनरेशन है, या बेटर इरीगेशन फैसिलिटी है। बट मैं इसमें जाऊंगा ऑप्शन बी के साथ, बिकॉज ऑलिवॉइल सॉइल है ब्रॉड बाई द रिवर्स फ्रॉम द माउंटेन। अब माउंटेन से जितनी भी हमारी जितनी भी रिवर्स हैं वो माउंटेन का सफर जो है इस नर्दर्न प्लेन्स में आकर अपना सफर जो है वो पहाड़ों से जो तेजी का सफर होता है वो खत्म करती है। नाउ इट इज मूव होती हैं बड़े रिलैक्स में, और अपने साथ लाए हुआ जितना भी मटीरियल है उसको डिपॉजिट कर देती हैं, जिससे हमारे प्लेन जो हैं वो फर्टाइल होते जा रहे हैं गाइज, या होते थे, हैं अभी भी हैं, ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़े गए, तो खादर सॉइल और फाउंड कहां पर मिलेगी आपको? इन पिटोनमेंट प्लेन्स में मिलेगी, इन फ्लड प्लेन्स में, और ओवर लो प्लेटुआ में मिलेंगी, या ओवर स्टेप स्लोप्स पे मिलेंगी। तो गाइज याद रखिएगा, खादर सॉइल मैंने आपको बताया था ना, हमेशा ये क्या है, फ्लड एरियाज होते हैं। खादर और बांगर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो बांगर होगा जो बेकार हो गया होगा, एंड खादर इज न्यू, है ना, तो ये फ्लड होता है। फ्लड की वजह से ही खादर और बांगर जो है वो बनते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, या आपने कहीं से पढ़ा भी होगा दैट ये जो प्लेन्स हमारे बनते हैं खादर और बांगर, ये किस तरीके से बनते हैं? खादर और बांगर दोनों बनते हैं फ्लड की वजह से, तो इट इज अ फ्लड प्लेन, इन फ्लड प्लेन्स में ही ये सॉइल पाई जाती है, खादर सॉइल। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, तो वेयर विल यू एक्सपेक्ट टू फाइंड बैम्बो ग्रोइंग? अब बैम्बो ग्रोइंग आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी? एट अ ग्रेटर हाइट फ्रॉम द सी लेवल, जितने आप सी लेवल से हाइट पे जाओगे वहां मिलेगी। एट अ मीडियम हाइट फ्रॉम द सी लेवल से, या मीडियम हाइट पे, या वेरी लो हाइट पर, या देर इज सच कंडीशन इट कैन ग्रो एनीवेयर, या ऐसी कंडीशन है कि ये कहीं पर भी ग्रो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैम्बो की अगर मैं बात करूंगा तो बैम्बो उगेगा कहां पर? जहां पर वेरी लो हाइट होगी और फ्रॉम द सी लेवल, कहां से? सी लेवल से बिल्कुल थोड़ी सी हाइट के ऊपर ही आप देखोगे तो आपको बैम्बो ग्रोइंग जो है वो मिलेगी गाइस, ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रेट प्लेन्स? इनमें से कौन सी चीज जो है वो ग्रेट प्लेन्स का पार्ट नहीं है? यहाँ तो सीधा सीधा ही दिया गया है यार, इंडो गैंग्रेटिक है, गंगा डेल्टा है, असम है, केरला तो नीचे है, साउथ में है तो केरला है ना, ये तो ऐसे ही आपके रीजनिंग के बेस पर है। चलिए 15 की तरफ देखें, तो ट्राइबल पॉपुलेशन इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बिलोंग्स टू, किस से बिलोंग करती है आपकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? ऑप्शंस आर एस्ट्रोलिट्स, या काउकुएट्स के बीच में, मंगोलिट्स, या निग्रोइड्स गाइस। तो याद रखिएगा दे और बेसिकली निग्रोइड्स से, ठीक है, निको से निग्रोइड्स, ऐसे याद रखिएगा इनको, ठीक है, कभी कभी इन पे भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, तो लिटरोलर फॉरेस्ट कहां पर पाए जाते हैं गाइस? लिटरोलर जो फॉरेस्ट है ऑकर कहां मिलेंगे? ऑन हिल्स के ऊपर, अलोंग द सी कोस्ट एंड द टाइडल क्रीक्स के पास मिलेंगे, वेयर द रेन इज हैवी, या जहां पर बारिश जो है वो सबसे ज्यादा होगी, या एट एलुवेटेड प्लेसेस पर, या आपके एलुवेटेड प्लेस पर। तो याद ये रखिएगा ये वेटलैंड फॉरेस्ट होते हैं, क्या होता है ये वेटलैंड फॉरेस्ट होता है, इसीलिए मैं इनको बोलूंगा अलोंग द सी कोस्ट एंड द टाइडल ट्रीक्स, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज वेटलैंड फॉरेस्ट। कौन से? ये वाले लिटरोलर फॉरेस्ट, ठीक है, कहां पाए जाएंगे? अलोंग द सी कोस्ट एंड द टाइडल क्रीक्स जो होंगी गाइज उनके पास ये पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गाइज, डैश इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा, इनमें से कौन सा जो शहर है वो गंगा के किनारे नहीं है गाइज? तो इनमें से तो मेरे को बताइए, आगरा है, कानपुर है, अलाहाबाद है, वाराणसी है। सो गाइज आगरा इज ऑन यमुना, तो ये आगरा जो है नॉट लिखा हुआ है गाइज, अब ये मत पढ़ लेना कि है, नॉट है, नॉट सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है गाइस, जमशेदपुर सिटी इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द
कॉन्फ्लुएंस साइट ऑफ द रिवर्स, दो रिवर्स की कॉन्फ्लुएंस साइट पर मिल रहा है आपका जमशेदपुर, वो कौन सी है? सुबर्णरेखा एंड कोरकरी, कोरकाई, गंगा एंड यमुना, कोसी एंड ब्रह्मपुत्रा, दामोदर एंड मयूरकाशी। सो गाइज, जमशेदपुर जो सिटी है ये लोकेट करता है एट द कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स, दैट इज सुबर्णरेखा एंड कोरकाई। गाइज, दो रिवर्स के कन्फ्लुएंस पर है आपका शहर जमशेदपुर गाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़े, द प्लैट्यू रिच इन मिनरल्स इन इंडिया इज, इंडिया के जब हम प्लैट्यूज की बात कर रहे हैं तो बताइए इनमें से रिच प्लैट्यू कौन सा है इंडिया में। ऑप्शंस आर मालवा प्लैट्यू, छोटा नागपुर प्लैट्यू, डेक्कन प्लैट्यू या मैसूर प्लैट्यू। गाइज, तो गाइज इसमें है आपका डेक्कन प्लैट्यू, एंड डेक्कन प्लैट्यू इज वेरी रिच इन किसमें, आपके मिनरल्स में गाइज, ठीक है। समझ आ गई इस क्वेश्चन की। चलिए लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, काफी बड़ा लिखा हुआ है। चलिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ बे ऑफ बंगाल और यूजुअली कॉल्ड, जो हमारे ट्रॉपिकल, ये जो बंगाल में जो साइक्लोन्स वगैरह आ रहे हैं, ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स आते हैं बंगाल में, उनको हम किस नाम से जानते हैं अक्सर? टाइफून्स, हुरिकेन्स, डिप्रेशन या टॉर्नेडोज गाइस। तो गाइस याद रखिएगा, वी कॉल्ड हिम हुरिकेन्स, ठीक है। हुरिकेन्स उनको कहा जाता है जो सब ट्रॉपिकल, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं बे ऑफ बंगाल में गाइस। गाइस, ये थे आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड आई होप कि आज की वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो। कितना पसंद आया है ये तो आपके लाइक्स बताएंगे या आपके कमेंट्स बताएंगे। बाकी गाइस, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि आपको अगर प्रॉपर वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के देखने हैं तो आप हमारे चैनल जेके एग्जाम क्रैकर पर जाकर, मेरी प्लेलिस्ट वहां पर बनी हुई है, जो भी सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए हुए हैं वो हमने वहां पर जो है आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ गाइस, इसकी अब ज़्यादा मतलब एक दो और वीडियो हम लोग आपको देंगे, या जो भी हमारे पास रहेगा इसका मटेरियल आप तक मिल जाएगा। नाउ गाइस, अब हम लोग सोच रहे हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से मैं ये पोल करवाऊंगा कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री कैसे पढ़नी है। आप एमसीक्यूज करना चाहते हो या उसको डिटेल वे में पढ़ना चाहते हो, जैसा कि अभी पीछे भी उसमें 2-3-4 वीडियोस पढ़ी है मेरी, उस तरीके से करना चाहोगे, या गाइज आप कंटिन्यू करना चाहते हो उसको आप एमसीक्यूज के साथ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज योर कमेंट्स मैटर करते हैं हमारे लिए गाइज, आपके लाइक्स हमारे लिए मैटर करते हैं। इतना ही मैं बोलूंगा। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच गाइज।